आर हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। जी हाँ दोस्तों, जो हम नुस्खे आपको बताते हैं वो सारे आयुर्वेदिक के मुताबिक दिए जाते हैं और यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दालों को लेकर, विशेष करके तीन दालों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन्हें रोज के भोजन में शामिल करेंगे तो आपके शरीर में ताकत बखूबी आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दालों का हमारे भोजन में एक विशेष स्थान है। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर तरह तरह की दालें खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन दालों में कितने गुण छुपे हुए होते हैं? जी हाँ दोस्तों, दाल भारतीय थाली का एक अहम हिस्सा भी है। देश भर में यह अलग अलग तरीकों से पकाई जाती है। दालें सेहत के हिसाब से बहुत उपयोगी होती है। दालों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपका वक्त जाया ना करते हुए जान लेते हैं कि दालों में कौन कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अरहर की दाल की। जी हाँ, इसे बहुत सारे लोग तुअर की दाल भी कहते हैं। यह पित्त, कफ, खून के विकार को समाप्त करती है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, विटामिन ई तथा बी पाए जाते हैं। इसका छिलका पशुओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अरहर के उबले हुए पत्तों को घाव पर बांधने से घाव भरने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अफीम का दुष्प्रभाव पड़ने पर अरहर के पत्तों को रस पिलाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। खाने में छिलके रहित दाल का प्रयोग किया जाए, जिससे कफ खांसी में आराम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अरहर की दाल नहीं खा रहे तो आज से ही दाल खाना शुरू कर दीजिए। बात करते हैं उड़द की दाल की। जी हाँ दोस्तों, उड़द की दाल में फास्फोरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी बहुत ज्यादा माना जाता है। इसकी चुन्नी का इस्तेमाल कई रोगों के लिए किया जाता है। उड़द की दाल की बात करें तो कब्ज नाशक और बलवर्धक होती है। फोड़ा होने पर उड़द की दाल को पीठी बनाकर रखने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। हड्डियों में होने वाले दर्द से इसको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। यदि आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है तो इसे पीसकर लेप करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। चलिए दोस्तों, आइए बात करते हैं मूंग की दाल की। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा रेशे जैसे तत्व पाए जाते हैं। यह कफ, पित्त के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। खाने के बाद ये आसानी से पच जाते हैं। मूंग की दाल में आंखों को रोशनी बढ़ती है। बुखार होने पर मूंग की दाल खाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। चावल के साथ तैयार खिचड़ी मरीजों के लिए पौष्टिक सुपाच्य होती है। मूंग के आटे का हलवा बहुत ज्यादा शक्ति रोधक होता है। तो जाना दोस्तों, आपने कितने सारे दालों के फायदे होते हैं और इसके कितने गुण होते हैं। यदि आप रोज के दाल खाने में दाल नहीं खा रहे तो आप दाल खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही वीडियोज़ बनाने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती रहती है।